जल्दी साफ करो इसे, क्या बना दिया मेरे ऑफिस को। ये मेरी दुनिया है, ये मेरी लाइफ है, और मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। संजना मैम, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी डिटेल आपको दे दी है मैंने। आपकी बहन मीनल को कोलकाता के कोई हॉस्पिटल में एक बेटी हुई थी। थैंक यू सो मच। सुहा, इनसे मिलो। संजना आंटी है, पापा के ऑफिस में काम करती है। हेलो आंटी। तो है जो मुझे देव दीक्षित के घर ले आई। देव और सोनाक्षी की बेटी सुहाना मेरी नीस। ये मम्मा ने दिया है मुझे, इससे प्लांट्स को स्प्रे करता है ना, इससे प्लांट्स क्लीन भी हो जाते हैं और उनकी प्यास भी बुझ जाती है। देखो ऐसे, देखा प्लांट्स कितने ब्यूटीफुल हो गए। तुम सबके पास प्लांट्स है, बस भिक्षा मेरे लिए लाना भूल गए। पापा ये तुम्हारे लिए लाए हैं। माय गोल गोल गोलू फ्रॉम भिक्षा। वाव, ये मेरा है। सब कुछ स्प्रे करने से ब्यूटीफुल हो जाता है। मैं भी ब्यूटीफुल हो जाऊंगी। ठीक है तो फिर करो, डू। मैं यहाँ स्टैंड करती हूँ, आप अच्छे से करना स्प्रे। चलो। अरे शुभ, ओह क्या कर रहा है बेटा, इतनी शैतानी कर रहा है। हाँ ऐसे करते हैं दादी को। भाभी आप भी कमाल है, आप बिल्कुल मजे ले रही थी बस खड़ी रह के। जी जी, देखो ना कितनी फिरस और ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं। आप भी करा लो अपने चेहरे पे, ये नीड है आपके चेहरे को भी। क्या क्या हुआ जीजी, आप इतनी सैड सैड क्यों हैं? क्या बोलूं भाभी, मन में चिंता खाई जा रही है नेहा की। देखिए ना, अगर वो बताएगी नहीं कि उसे क्या दिक्कत है तो हम मदद कैसे करेंगे उसकी। जीजी टेंशन मत लीजिए, देव है ना, सब राइट कर लेगा वो। हाँ मुझे एचआर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करो, मिस्टर मखीजा। हाँ हाँ, मुंबई ऑफिस में हमारे सीनियर डिजाइनर की पोस्ट खाली थी ना, वो अभी वेकेंट है ना। ओके, आई गॉट द परफेक्ट कैंडिडेट। कोई तो मुझे बार बार फिल्मी बुला रहा था, अब कौन फिल्मी हो रहा है? ये सब क्या है? ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। Someone special। किससे? चलो आप आओ, आओ मिलाती हूँ। ये है मेरा someone special, मिस्टर देवव्रत दीक्षित।
ऑफिस में बहुत बिजी बिजनेसमैन है, बहुत डील्स करते हैं, लेकिन घर पे उसकी फैमिली की खुशी ही उसके लिए बहुत बड़ी डील होती है। और ऑफिस वर्क खत्म हो या ना हो, घर पे आके बच्चों का होमवर्क खत्म हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना होता ही है। और ऑफिस में लंबी लंबी मीटिंग्स होते, कॉन्फ्रेंसेस होते, लेकिन कभी भी अपने फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। कभी भी अचानक फोन करके अपनी बीवी पर आई लव यू की बौछार कर देते हैं। अगर उसकी आंखों में नींद भी आए और माँ के पैरों में थोड़ा सा दर्द भी हो, वो सोते नहीं, उनके पैरों की मालिश करते हैं। So let's celebrate him. Yes, let's celebrate us. एक मिनट। संजना के लिए डायट चार्ट का प्रिंट आउट निकाला था, ये संजना को देना भूल गई मैं। क्या हुआ? तो ये पता, मैं किसके बारे में सोची थी अभी? किसके बारे में? संजना। What? हाँ, वो देना था ना उसे। संजना जतिन के साथ अच्छी लगी है ना? नहीं, तुमने तो कहा था कि वो सिंगल है, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है उसका, और आई थिंक शी शुड मूव ऑन, उसे किसी की साथ की जरूरत है। और जतिन को तो हम ट्रस्ट करते हैं, वो बेटर देन जतिन, मुझे लगता है कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। डोंट यू थिंक सो? देव सो, आई लव यू। क्या है ये सब? जो मैंने एक्सप्रेस किया वो मजाक नहीं था। आई लव यू, I love you, Dev sir. I don't know about all that. I love you. I love you a lot. पता नहीं बात क्यों कब? I love you. इससे पहले कि चीजें बिगड़ने लगे, मुझे कुछ करना होगा। सुबह सुबह इस घर में जो हो हल्ला मचता है ना, उसका कोई जवाब नहीं भाभी, हैं? पर फिर रौनक भी तो कितनी लगती है ना घर में। मतलब बच्चे काम के लिए रेडी होते हैं और बच्चों के बच्चे स्कूल के लिए, और फिर जो चारों तरफ से जल्दी करो मम्मा मेरी बैग दो, मम्मा टिफिन हुआ कि नहीं, देव मेरा फोन कहाँ है। पर फिर इतनी सुंदर सुबह भी तो भगवान की ही देन होती है। जी जी, जब हम स्कूलिंग जाते थे ना, तब यही तिल के लड्डू ईट करते थे हम लोग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.